कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम का बलीर में छापा, दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार जेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बम्बार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। मुबैना दहशतगर्द शाह फहद ने हमले से कबल मुलजिम के घर में क्याम किया। तफ्तीश के दौरान दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। वीडियो में हमलावर की गाड़ी को देखा जा सकता है। गाड़ी की वीडियो हमले से कबल बनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलदम पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया। जिला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के हल के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगा बुला लिया। फरीकैन को शिरकत की दावत। सूबाई मुशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ ने अहम मामले पर बाकायदा वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत ने पी टी एम को कलदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। कलदम पी टी एम को किसी किस्म के जलसे जुलूस इज्तमा या किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। किसी को बंदूक उठाने की इजाजत नहीं देंगे। जिरगे करना कोई मसला नहीं, पहले भी जिरगे होते रहे हैं। हजारों लोगों को बुलाना और अदालत कहना जिरगा नहीं। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एक जमात ने पीटीआई से कहा हथियार उठाने में हिमायत नहीं कर सकते। इनके भी जो मास्टर माइंड हैं उनको पैगाम है कि जो भी हमारे मुल्क में करवा रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।